ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सौजन्य से धर्मशाला में 3 दिवसीय कार्यशाला का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि के क्षेत्र में हिमाचल को बुलंदियों पर ले जाने की कामना की है। दरअसल जायका दक्षिण एशिया में कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का गठन भी किया गया है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सौजन्य से धर्मशाला में 3 दिवसीय कार्यशाला का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि के क्षेत्र में हिमाचल को बुलंदियों पर ले जाने की कामना की है। दरअसल जायका दक्षिण एशिया में कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है। संस्था में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान को शामिल किया गया है। इन देशों में जापान के प्रतिनिधि वहां की कृषि के क्षेत्र में काम करके उन पर मंथन और चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में जायका के 20 प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं और वो हर देश में कृषि के क्षेत्र में किए गए काम और शोध पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करेंगे, जिससे हिमाचल के किसानों और बागवानों को उन्नति करने में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों की साल 2022 तक आय दुगना करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने कृषि विविधीकरण के लिए 5 जिलों में जायका की एक लोन परियोजना प्रस्तावित की है। इसके लिए फरवरी 2011 में समझौता किया गया था, जिसकी कुल परियोजना लागत 321 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विविधीकरण के जरिए सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, सीमांत एवं लघु किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना, सिंचाई के लिए अधोसंरचना स्थापित करना, प्रोडक्शन एरिया और खेतों तक सड़क सुविधा और कृषि विकास संस्थाओं की स्थापना करना है। जायका के साथ हमारा हिमाचल के प्रोजेक्ट हमेशा कई वर्षों से चल रहे हैं। वर्तमान में भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम हैं। हिमाचल प्रदेश में जितना भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, अभी तक अगर हम उसमें इरिगेशन की अगर हम बात कहें तो उसमें बहुत कम पोर्शन अभी तक जो इरिगेटेड है, एश्योर्ड इरिगेशन जिसको बोल सकते हैं, वो बहुत कम है। अभी तक लगभग 20% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे जिसमें खेती होती है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं और जायका का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। दूसरा, जायका का एक रोल टेक्नोलॉजी में भी जो है हमको उसमें जो है इस वर्कशॉप के माध्यम से जो है जानने को मिल रहा है और जो एडवांस जो रिसर्च हुई है उसको हम भारत और जापान कैसे साझा करके ज़मीन पर उतार सकते हैं, ताकि हमारा एक जो एक विज़न जो प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का एक जो विषय बताया है, तो उसमें हम कैसे अपना प्रदेश की ओर से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश का जो हमारा सेकंड फेज जो जायका के लिए हमने पोस्ट किया है, उसमें केंद्र सरकार की ओर से हमने उसको भेजा है, लगभग वो 1100 करोड़ के लगभग जो है वो हमारा प्रोजेक्ट है। उसकी स्वीकृति के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी और उसकी स्वीकृति आने के बाद जो है रिमेनिंग पोर्शन जो अभी तक हमारा कवर्ड नहीं है हिमाचल प्रदेश में, उसको भी हम कवर करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। तीसरे, हम हिमाचल प्रदेश ने एक नया जो इनिशिएटिव लिया है, जो विशेष तौर से पूरा देश इस मॉडल को अब आने वाले समय में धीरे धीरे उसको फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें जो हमारा जिसको पहले हम जीरो बजट प्राकृतिक खेती बोलते थे, नेचुरल फार्मिंग बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम जो है वो प्राकृतिक खेती के नाम से ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। उस प्रोजेक्ट को हम हिमाचल प्रदेश में, उसमें हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा वो मॉडल ऐसा बने उसका जिसको बाकी प्रदेश उसको फॉलो करे, प्रदेश ही नहीं पूरे और देश भी, बाहर के देश भी उसको फॉलो करे। उस दृष्टि से अभी तक तो मुझे खुशी है कि लगभग 60,000 किसान उसके इसमें जो है उसने अपने दायरे में हमने लाने में उसमें कामयाब हुए हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हमारी जो जायका के माध्यम से जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की कोलैबोरेशन, वहाँ की फंडिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें, उस दृष्टि से इस वर्कशॉप का ये आयोजन यहाँ पर चल रहा है
और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छा डेलीगेशन वहाँ से, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वहाँ पर से जो है वो जो खास तौर से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जानकार हैं, वो जापान की ओर से भी आए हैं, एक्सपर्ट्स भी उसमें हैं, लगभग 20 लोग हैं वो, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश के भी हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें जो है अपनी बात इस वर्कशॉप में रख